सुप्रभात छात्रों, RCI एजुकेशन हब बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय संस्कृतम। और बेटा, हम संधि पढ़ रहे हैं और संधि में हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं, ठीक है। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में हम तीसरी संधि पढ़ेंगे, उत्त संधि। इसका सूत्र है अतो रोरु प्लुताद प्लुते, अतो रोरु प्लुताद प्लुते, ठीक है। अतो रोरु प्लुताद प्लुते सूत्र के माध्यम से संधियुक्त, 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 संधियुक्त प्रथम शब्द के अंत में, प्रथम शब्द के अंत में, प्रथम शब्द के अंत में क्या हो? ए, यानी कि प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग हो, प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग हो, विसर्ग हो, विसर्ग हो, और उसके बाद, उसके बाद ह्रस्व ए हो, और उसके बाद ह्रस्व, ह्रस्व ए हो तो विसर्ग को ओकार हो, तो विसर्ग को ओकार, ओकार तथा ह्रस्व ए, ह्रस्व ए का अवग्रह चिन्ह, अवग्रह चिन्ह, अवग्रह चिन्ह बन जाता है, अवग्रह चिन्ह विष यानी ए का अवग्रह चिन्ह, ये वाला अवग्रह चिन्ह बन जाता है, ठीक है। यथा जैसे, ठीक है। देखो उत्त संधि अतो रोरु प्लुताद प्लुते, अतो रोरु प्लुताद प्लुते संधि के सूत्र के माध्यम से संधियुक्त प्रथम शब्द के अंत में क्या हो? विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद क्या हो? ह्रस्व ए हो। तो विसर्ग को तो ओकार यानी ओ आदेश हो जाता है, ओ की मात्रा लग जाती है, और जो ह्रस्व ए है, विसर्ग के बाद जो ह्रस्व ए आ रहा है, वह अपने अवग्रह चिन्ह में बदल जाता है, यानी उसका अवग्रह चिन्ह हो जाता है। यथा जैसे उदाहरण है कै प्लस अपी। अब बेटा यहाँ पर क्या आ गया, देखो ये क्या आ गया, विसर्ग आ गया, और विसर्ग के बाद ये क्या आ गया, ह्रस्व ए आ गया। इसलिए इस विसर्ग को तो हमने क्या आदेश कर दिया, ओ आदेश कर दिया, और इसका क्या कर दिया हमने, अवग्रह चिन्ह बना दिया, ठीक है। अब इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, को अपी, और ये कौन सी संधि का उदाहरण माना जाएगा, उत्व संधि का, ठीक है। उसके बाद दूसरा है रामय प्लस अवदत्त, दूसरा उदाहरण क्या है, रामय प्लस अवदत्त, रामय प्लस अवदत्त, यानी कि मैं के बाद ये क्या है, विसर्ग, और विसर्ग के बाद ये क्या आ गया, ह्रस्व ए। इसलिए इस विसर्ग को तो क्या आदेश कर दिया हमने, ओ, और यहाँ क्या हो गया, अवग्रह चिन्ह हो गया। अब बेटा इसको मिलाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं किसकी मात्रा चली जाएगी, ओ की मात्रा चली जाएगी, और इसका अवग्रह चिन्ह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रामो अवदत्त, रामो अवदत्त। तीसरा उदाहरण है रामय प्लस अयम, रामय प्लस अयम, ठीक है, रामय प्लस अयम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, विसर्ग है, ठीक है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ए, ह्रस्व ए आ रहा है, इसलिए इसको ह्रस्व आ रहा है, इसको तो क्या कर देंगे, अवग्रह चिन्ह बना देंगे, और इस विसर्ग को क्या कर दिया हमने, ओ आदेश कर दिया सूत्र के माध्यम से, क्योंकि विसर्ग के बाद ह्रस्व आ रहा है, इसलिए विसर्ग को तो ओ आदेश कर दिया, और ए का क्या कर दिया हमने, अवग्रह चिन्ह बना दिया है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, बराबर रामो अयम। इस प्रकार से बेटा हमारी ये सत्व संधि कंप्लीट हो गई, यानी पूरी हो गई है, ठीक है। उसके बाद आती है उत्त संधि यानी हसी चय, इसी का दूसरा पार्ट है उत्त संधि यानी हसी चय सूत्र के माध्यम से,
हसी च, हसी च सूत्र के माध्यम से ए प्लुताद ता सूत्र है, ए प्लुतादता, ए प्लुतादता परश्य रोरु श्यादशी, परश्य रोरु श्यादशी, रोरु श्यादशी, ठीक है। ए प्लुतादता परश्य रोरु श्यादशी, ए अर्थ है इसका के बाद क्या हो विसर्ग प्लस हश्य, हश्य यानी कि वर्ग का, वर्ग का तीसरा चौथा, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा तथा ये वे रे और ले हो तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर ओकार की मात्रा हो जाती है, ओकार की मात्रा हो जाती है, ठीक है। यथा शिव प्लस वंदे, शिव प्लस वंदे। अब बेटा देखो शिव के वह के बाद क्या है विसर्ग है, प्लस आगे क्या है वह, यानी वर्ग का यहाँ पर क्या हो, या तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या फिर ये वह रे ले हो, तो इस विसर्ग को क्या आदेश हो जाता है, ओ आदेश हो जाता है। अब यहाँ पर वह आ गया इसलिए इस विसर्ग को हमने क्या आदेश कर दिया, ओ आदेश कर दिया और हमारा शब्द बन गया शिवो वंदे, क्या हो गया शिवो वंदे, ठीक है, क्या हो गया शिवो वंदे। दूसरा है, दूसरा है रामे प्लस जयती, जयती। अब बेटा देखो रामे के बाद क्या है विसर्ग है, प्लस उसके बाद क्या है जयती, यानी कि वर्ग का कौन सा वर्ण आ रहा है, छ छ ज तीसरा वर्ण आ रहा है, बताए ना कि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा तीसरा वर्ण आ रहा है, तो इस विसर्ग को हमने क्या आदेश कर दिया ओ, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो गया रामो, रामो जयति, रामो जयति, ठीक है बेटा। इस प्रकार से ये उत्तु संधि भी हमारी कंप्लीट हो गई है, समाप्त हो गई है, ठीक है। इसके आगे कल पढ़ाएंगे, धन्यवाद।